सीखने की बात यह है कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल होता है। हमारे यहाँ एक तादाद, बल्कि कहूंगा ना कि मेजोरिटी तादाद सिर्फ बातें करने की रह गई कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। भाई गलत होने से कुछ नहीं होगा, कहने से। आपने क्या किया है, आपको पता है महंगाई होनी है, आपको पता है नीचे नहीं आएगा, तो आप अपनी प्लानिंग करें ना। इनकम एंड एक्सपेंस, हमारा टॉपिक ही यही है कि देखें इनकम का एक ही दो जरिए होते हैं, एक्सपेंस की डायमेंशंस जो होती हैं वो डिफरेंट होते हैं। फरमाया आपने। और अकलमंद वही होता है कि कोई भी आप बिजनेस ट्रेड ले लें तो कभी भी बिजनेस बगैर अकाउंटेबिलिटी के कामयाब नहीं होता। इसी तरह जिंदगी भी कभी अकाउंटेबिलिटी के बगैर कामयाब नहीं होगी। जैसे हम दीनी इस्तलाह में अपनी इसको लेते हैं कि भाई फिक्र मदीना करना है। भाई जब आप अपने इनकम और एक्सपेंस को भी दोष में लेंगे ना कि आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, सिर्फ रात को या महीने के बाद सिर्फ ये बोल देना महंगाई बहुत हो गई है, हजरत क्या करें, महंगाई हो गई है, आप जरा बिल तो उठाकर देखें। ओके, आपने फोन का बिल बहुत आया, आप चेक तो कर लें कि कहां पर आपने कॉलें की थी, किस वजह से आपका पैकेज खत्म हुआ था, आपने कहां का पैसा लगाया था। अच्छा, अगर आप बजट करने पे जाएंगे ना, बजटिंग और बचत दोनों चीजें इंशाल्लाह, तो आपको मैं अर्ज करता हूं ऐसे, मतलब क्योंकि तरबियत की कमी है, नीचे से आएंगे लाइट जलते हुए ऊपर तक लाइट जलाते हुए जाएंगे। अब नीचे वाली कौन मन करेगा, आए नहीं क्योंकि आदत नहीं है उसकी बचत की। अच्छा, कोई ये करना चाहेगा तो उसको बोलेंगे कि जी ये तो कंजूस आदमी। बात कंजूस की नहीं है, इसराफ को समझें, फजूल खर्ची को समझें, और इस्लाम ने हमारी क्या तरबियत की है इसको समझें। मियाना रवि जिस चीज में इख्तियार की जाती है उसी में कामयाबी है, और जो फजूल खर्च है उसको शैतान के भाइयों में शुमार किया गया। तो हमें फजूल खर्च नहीं होना। ख्वाहिश से नहीं गिरते हैं फल जोली में, वक्त की शाख को मेरे भाई खुद ही हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना।